दिल्ली सरकार की तरफ से इन सारी सीवर लाइनों को बदलने का प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है। इसमें लगभग 129 करोड़ रुपए खर्च करके ये सारी सीवर की लाइनें बदली जाएंगी, और जब सीवर की लाइनें बदल जाएंगी तो आप लोगों को सीवर से भी और गंदे पानी से दोनों से राहत मिलेगी। आज मुझे यहां पे आके बेहद खुशी है, लेकिन दिल के एक कोने में तकलीफ हो रही है। मेरे को तो बताया गया था कि भाई लोगों को सीवर की लाइनें बदलवाने की जरूरत है, लेकिन वो लोग कह रहे हैं भाई सीवर की लाइनें मत बदलो, काले झंडे दिखा रहे हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, करें कि ना करें? वो मना कर रहे हैं भाई साहब, वो बीजेपी वाले हैं, कांग्रेस वाले, बीजेपी वाले। तो मैं पूछना चाहता हूं जी, अगर कहो 130 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं दिल्ली सरकार के, आपके पैसे, मेरे पैसे तो है नहीं, अगर नीचे है तो आज भी बंद कर देते हैं ये। दोस्तों, मेरे को हमेशा ये लगता है, राजनीति करो लेकिन जनता के विकास के साथ राजनीति मत करो। जो लोग पानी के साथ राजनीति करते हैं, जो लोग सीवर के साथ राजनीति करते हैं, जो लोग स्कूलों के खिलाफ राजनीति करते हैं, जो लोग अस्पतालों के खिलाफ राजनीति करते हैं, जो लोग सड़कों के खिलाफ राजनीति करते हैं, वो देश के साथ गद्दारी करते हैं और वो देशद्रोह हैं। दिल्ली की जनता ने 70 में से 67 सीट दे ही थी, अगर इस तरह की गद्दारी करोगे अगली बार 3 सीट भी नहीं छोड़ेगी दिल्ली की जनता तुम्हारे लिए। इन लोगों को सबक नहीं मिला? अगर दिल्ली के सीवर के काम रोकोगे तुम, अगर दिल्ली की पाइपलाइन बनने से रोकोगे तुम, आज इस मंच से मैं बीजेपी और कांग्रेस वालों को कहना चाहता हूं, ऐसा सफाया करेगी दिल्ली की जनता, ऐसा सफाया करेगी जिंदगी भर याद रखोगे तुम लोग। राजनीति करनी है तो दिल्ली की जनता के दिल को जीतो। जनता के दिल को जीतने से राजनीति होती है, जनता के पानी के काम रोकने से राजनीति नहीं होती, जनता के सीवर के काम रोकने से राजनीति नहीं होती। 3 साल से दिल्ली सरकार रात दिन एक करके 24 घंटे खून पसीना बहा के ईमानदारी के साथ दिल्ली के लोगों की सेवा कर रही है। इसीलिए दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी लोगों के दिलों के अंदर बसी हुई है और लोग दिल्ली के काम के सराहना कर रहे हैं। दोस्तों, आज दिल्ली में स्कूलों की, सरकारी स्कूलों का काया पलट हुआ, पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया के अंदर चर्चा हो रही है कि मात्र 3 साल के अंदर सरकारी स्कूलों को बदला जा सकता है। बदले कि नहीं बदले सरकारी स्कूल? आज पूरी दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बन रहे हैं, पूरी दिल्ली के अंदर सारे सरकारी अस्पतालों में सारी दवाइयां फ्री कर दी, सारे टेस्ट फ्री कर दिए, सारा इलाज फ्री कर दिया। अगर हमें अच्छी राजनीति करनी है तो जैसे दिल्ली के अंदर स्कूलों का काया पलट हुआ, जैसे दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बने, सारी दवाइयां फ्री हुई, अच्छी राजनीति कहती है, पूरे देश के अंदर करके दिखाओ, सारे राज्यों के अंदर करके दिखाओ। अगर कल को कोई बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में अच्छा काम करती है, हम भी करेंगे दिल्ली के अंदर, हम वाहवाही करेंगे, बड़ा अच्छा काम किया, हम भी करेंगे। हम उनके काम को रोकने के लिए नहीं जाएंगे, हम मध्य प्रदेश की, राजस्थान की सरकार को काले झंडे नहीं दिखाएंगे, अच्छे काम की तारीफ करेंगे, अच्छे काम की तारीफ होनी चाहिए। गलत काम के खिलाफ काले झंडे होने चाहिए। आज यहाँ पे सीवर की पाइपलाइन का उद्घाटन हो रहा है, उस सीवर की पाइपलाइन के खिलाफ अगर काले झंडे दिखाए जा रहे हैं, दोस्तों, इससे तुच्छ राजनीति, इससे गंदी राजनीति हो नहीं सकती।
मुझे बेहद तकलीफ है इस बात की कि हमारी राजनीति का स्तर इस तक इस कदर गिर गया है। दोस्तों, दिल्ली के अंदर आपके बिजली के रेट 3 साल में सबसे सस्ती की है। बिजली घर घर में मुफ्त पानी पहुंचा रहे हैं। 20,000 लीटर पानी हर महीने हर परिवार को मुफ्त पहुंचाया जा रहा है। हमारी सरकार बनी थी उसके पहले ये हालत थी, एक एक घर के 4-4, 5-5 हजार रुपए महीने के पानी के बिल आया करते थे। आज 12 लाख परिवारों को दिल्ली में जीरो पानी का बिल आता है, एक पैसा पानी का बिल नहीं आता है। पूरे देश में आज सबसे सस्ती बिजली दिल्ली के लोगों को मिल रही है। हमारी सरकार बनने के पहले याद करो हर साल बिजली के रेट बढ़ा करते थे, बढ़ते थे कि नहीं बढ़ते थे? 3 साल से दिल्ली में बिजली के रेट नहीं बढ़ने दिए। दोस्तों, ये कोई छोटी बात नहीं है और अब आने वाले टाइम में और बहुत सारे कदम दिल्ली सरकार उठाने जा रही है। जैसे एक क्रांतिकारी योजना हम लोग लाने जा रहे हैं। आप लोग जब भी किसी सरकारी विभाग में काम कराने जाते हो, आप लोगों को इनकम सर्टिफिकेट बनवाना है, आप लोगों को बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है, कुछ भी बनवाना है, अगर आप लोगों को रिश्वत देनी पड़ती है, अब आपको रिश्वत देने की जरूरत नहीं होगी। आपके घर आके सरकारी अफसर सारे काम करके जाएगा, आपको केवल फोन कॉल करने की जरूरत है और आपके घर के अंदर सारे काम करके जाएगा। दोस्तों, फिर से मैं आपको बधाई देता हूं आज इस सीवर लाइन के उद्घाटन के लिए, और 2 साल के अंदर मैं पर्सनली इसको मॉनिटर करूंगा और 2 साल के अंदर इस